मसीह खुदावंद में आपकी शांति हो। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं YMCA की बिल्डिंग में और जहां पे बाल में एक मंदिर की जानिब से यहां पे दिवाली का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया और काफी बड़ी तादाद जो कि हिंदू कम्युनिटी की है उन्होंने यहाँ पे शिरकत की और ख़ास करके इस दिवाली के त्यौहार को बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाया है और यहाँ पे बहुत सारे लोगों को एज ए गेस्ट यहाँ पे बुलाया गया और ख़ास करके ऐसी नामी ग्रामी शख्सियात यहाँ पे आई जिन्होंने ख़ास करके मजहबी जो हम आंगी है उसके बारे में बातचीत की और दिवाली के मौके पर अपने अपने ख्याल का इजहार किया और इस बात का पैगाम दिया कि यहाँ पे पाकिस्तान में जो त्यौहार हैं वो ख्वा किसी भी कम्युनिटी के हों किसी भी माइनॉरिटी के हों वो अपने पूरे जोश और जज्बे के साथ मना सकते हैं। तो आए नाजरीन हम अंदर चलते हैं और बात करते हैं हम तमाम लोगों से उनके ख्यालात को सुनते हैं जिन्होंने आज इस प्रोग्राम में शिरकत करके दिवाली के प्रोग्राम को चार चांद लगा दिए। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं NAC और CSE के खुसूसी ताउन से आज दिवाली के शुभ अवसर पर शुभकामनाओं के साथ पाकिस्तान बाल्मीक मंदिर, पाकिस्तान बाल्मीक सभा, बाल्मीक मंदिर नीला गुंबद की तरफ से आप सबको दी की अथाह गहराइयों से GINO वेलकम एंड खुशामदीद और आप सबका स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आप सबको दिवाली की खुशबारिक हो। अच्छा, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे हिंदू कम्युनिटी भाइयों की बहनों की ईद है और इस ईद में हम सब मकबा फिक्र तमाम अकवाम के लीडर्स नुमाइंदे लाहौर YMCA के इस प्लेटफॉर्म पे NCA और CSE की कोलैबोरेशन होने वाले प्रोग्राम में मौजूद हैं। तो मैं चाहूँगा कि इससे पहले कि हम कुछ बातें करें बातें सुने रब्बुल जलील के हुजूर अपने सर को झुकाएंगे और तलावते कुरान पाक के लिए मैं दावत दूंगा मौलाना आसिफ चिश्ती साहब को के वाए और पाक कुरान की तलावत में रहनुमाई करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरी तरफ से हिंदू बरादरी को आपका ये मजहबी त्यौहार बहुत बहुत मुबारक हो और पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मजाहिब के लोग अपनी मजहबी रसूमात अदा करने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। मैं अपनी तरफ से मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से आपको इस मजहबी त्यौहार की दिली तौर पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इस मौका पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मेरी दुआ है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो ख्वाब देखा जो पैगाम हमें दिया हम उस पैगाम पर हकीकी मानों में अमल पैरा करते हुए एक दूसरे के मज़ाहिब को एहतराम दें, एक दूसरे के मज़ाहिब की इज़्ज़त करें और एक दूसरे की मजहबी जितनी भी रसूमात हैं उन पर बतौर पाकिस्तानी हम एक दूसरे की खुशी में शामिल हों, एक दूसरे के गम में शामिल हों और हम ये पूरी दुनिया को पैगाम दें कि पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मजाहिब के लोगों के दुख भी सांझे हैं, सुख भी सांझे हैं और हम सब एक नंबर के पाकिस्तानी हैं। और आखिर में क्योंकि मुझे पादरी आईबी रॉकी साहब ने कहा कि तिलावत कुरान मजीद उसमें से चंद आयात में पेश करूंगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمنت بالله صدق الله العظيم। جزاك الله
मैं दावत दूंगा दुआ के लिए हमारे दरमियान इज़्ज़त बाप फादर फियाज़ मुनव्वर साहब तशरीफ़ फरमा है, वो आएंगे और दुआ में रहनुमाई करें। हम अपने सरों को झुकाए और दुआ के लिए तैयार हों। खुदावन कादर मुतलक मेहरबान, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं क्योंकि तू ही तारीफ अजीत और हम्द के लायक है। प्यारे खुदावन, आज के सब मजाहिब के में बैठने के लिए, इस खुशी में शरीक होने के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं और इसमें तेरी बरकत हो। जलाल बाप बेटे रूह कुदस के नाम से आमीन। कम्युनिटी की तरफ से हमारी अजीज बहन मिसी सोनिया राज आएगी और दुआ में रहनुमाई करेंगी। हरिओम हरिओम। मां परमात्मा जी सबना जिया के पैदा करने वाले, सबना जिया के कृपालु, प्रकट के जाननहार हमारे ईश्वर जी, ऐ प्रभु हम तेरे ही आश्रय हैं, तेरे को ही शरण पड़े की लाज है, तू ही शरण पड़े की लाज है। हरिओम। मैं दावत दूंगा पंडित भगत लाल खोकर साहब और उनकी साइकिल आरती उतारने के लिए सामने तशरीफ लाएंगे। हम आरती की ओर चलते हैं। ईश्वर का, भगवान का, गौ का आशीर्वाद आरती में, ब्लेसिंग ऑफ गॉड, ईश्वर ब्लेसिंग, अल्लाह ब्लेसिंग। तो इसमें आप सबको अपने अपने अकीदे के मुताबिक अपना मन ईश्वर अल्लाह के सामने की शुक्रिया। सबसे पहले आप सबको वेलकम है। YMC की थोड़ी सी मैं हिस्ट्री जरूर बताना चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे हमारे दोस्त जो से हम नए आए हैं उन्होंने उन्हें इलम नहीं है कि YMCA की जो सी इसकी क्या हिस्ट्री है। YMCA का मैं बताता चलूँ कि लाहौर का सबसे पुराना अदारा है जो 1876 में क़याम पज़ीर हुआ। 1876 से ये अदारा चल रहा है और YMCA की जो सी है एक प्रीवियस एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है YMCA जिसके अंडर ये और YMCA काम करता है। मैं इस YMCA का जनरल सेक्रेटरी हूँ और पाकिस्तान के जितने अफेयर्स हैं उनको मैं देख रहा हूँ। YMCA की जिस हॉल में आप इस वक्त मौजूद हैं उसका ज़रूर मैं जिक्र करना चाहूँगा कि ये वही हॉल है जहाँ पे हमारी पाकिस्तान मूवमेंट जब बनी थी तो ये इसी हॉल में मिनोरिटीज़ ने स्पेशली कि क्रिश्चियंस ने वोट डाला था पाकिस्तान के हक में। तो दैट वाज डिसाइडेड क्योंकि उस वक्त के YMCA के जो जनरल सेक्रेटरी थे ही वाज आल्सो द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द क्रिश्चियन पार्टी जिसके चेयरमैन थे SP सिन्हा साहब और इट वाज डिसाइडेड इन दिस हॉल। इसी हॉल में यहाँ पे डिसाइड किया गया था कि वी विल वोट फॉर पाकिस्तान। तो आज और YMCA जो सी है आप नज़र दौड़ा कर देखें आपको कोई हॉल नज़र नहीं आएगा इतना पुराना। तो ये खुदावन की बरकत है कि आज भी उसी तरीके से ये चल रहा है। और इस हॉल में आप जस्ट थिंक ऑफ अ लीडर तो आप किसी का नाम भी सोचें, चाहे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का नाम सोचें, चाहे आप किसी भी लीडर का नाम सोचेंगे तो वो इस हॉल में ज़रूर यहाँ पर खताब करके गया या यहाँ पर बैठ के गया है। आपने फैज़ अहमद फैज़ बहुत सारे लोगों का नाम सुना होगा, वो सारे ही जो से हैं इसी हॉल से यहाँ से ही उन्होंने अपना स्टार्ट लिया है। तो मेरे जो से आप सबको वेलकम करने का है और वेलकम में एक चीज़ में जो स्पेशली तौर पे याद करवाना चाहता हूँ वो ये है कि हमने जो है ना एक बहुत एक चला था मुशरफ के दौर में कि सॉफ्ट इमेज देना है पाकिस्तान का। मैं समझता हूँ कि वो एक गलत परसेप्शन थी। हमने अपना रियल इमेज देना है पूरी दुनिया को क्योंकि हम इकट्ठे रहते हैं और अमन से रहते हैं और प्यार से रहते हैं और हमारी सारी कम्युनिटी जितनी भी हैं इनकी आपस में एट
विभिन्न लेवल पे आम लोगों के लेवल पे कोई नफरतें नहीं है। आम नफरतें अगर आई हैं तो वो सियासी मकसद मकासद के लिए या वो किसी और चीज के लिए, तो उस पर कोई इंटीरियर मोटिव थे। तो हम लोगों से हमने अपना रियल इमेज देना और रियल इमेज हमारा सोशल हार्मनी का है। तो अब क्योंकि डीसी साहब जो से इन्होंने उनकी आगे की एंगेजमेंट है, उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा टू से अ फ्यू वर्ड्स और उसके बाद हम केक कटिंग सेरेमनी करेंगे और फिर हम प्रोग्राम को आगे लेके चलेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब सरफराज साहब जी। हाजरीन ग्रामीण तक, हम आप सबको इस खूबसूरत तकरीब में खुशामदीद कहते हैं और आज ये वो मंजर है, ये वो पाकिस्तान है जिसका ख्वाब कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था कि आज हमारे पाकिस्तान में बसने वाली हिंदू कम्युनिटी अपना खुशियों का त्यौहार दिवाली मना रही है और हम सब पाकिस्तानी, हाँ हमारा ताल्लुक किसी मजहब से है, हम सब इनकी खुशियों में बराबर के शरीक हैं। मैं आज की इस तकरीब में इज्जत माँ आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ, इज्जत माँ बिशप सैमुअल रॉबर्ट अजराया साहेब, मोहतरम फादर जेम्स चनन साहेब, मोहतरम मेजर सलीम साहेब, मोहतरम नासिर विलियम साहेब और दीगर जितने भी मेहमान तशरीफ लाए हैं, आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। अब मैं तालियों की गूंज में गुजारिश करूंगा इजहार ख्याल के लिए डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहतरम मोहम्मद अली साहेब कि वह तशरीफ लाए और आज की इस दिवाली की तकरीब में अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। मोहतरम मोहम्मद अली साहेब डिप्टी कमिश्नर लाहौर। सबसे पहले आज दिवाली की मुनासिबत से मैं अपने तमाम हिंदू भाइयों और बहनों को इस त्यौहार की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये आप लोगों का फेस्टिवल ऑफ लाइट्स जिसको कहते हैं एक इवेंट है और जिस तरह हम ईद मनाते हैं इसी तरीके से आप लोगों का एक ये बड़ा साल में एक दफा त्यौहार मनाया जाता है। तो शहर लाहौर जो है इसकी एक बड़ी रिच तारीफ है, सदियों पुराना शहर है, इसका एक कल्चरल हेरिटेज है और लाहौर में यहाँ पर इसकी पहचान, इसके कल्चर की पहचान, यहाँ की मसाजिद, किले, म्यूजियम्स हैं, वहाँ पर लाहौर के टेम्पल्स और लाहौर के चर्चेज जो हैं वो भी हमारे कल्चर का, हमारी सकाफत का हिस्सा हैं और रहे हैं और यहाँ पर तमाम कम्यूनिटीज़ जो हैं वो इकट्ठे रहते रही हैं, अभी भी रह रही हैं। जिस तरह उससे पहले भी हमारे भाई ने जिक्र किया कि चंद पॉलिटिकल मोटिव्स की वजह से बीच में डिवाइडिंग लाइंस क्रिएट की गई और उसकी वजह से थोड़े से बीच में इख्तलाफात आए, मगर आज भी ये देखिए कि एक चर्च के अंदर, चर्च की बिल्डिंग में एक हिंदू त्यौहार होना, मैं समझता हूँ एक बहुत एक खुश आइन बात है और एक दुनिया को मैसेज जाता है कि हमारे मुसलमान भाई और हमारे जो जो हमारे यहाँ पर क्रिश्चियन और हमारे हिंदू बहन भाई हैं जो मिलजुल के एक ही मौसम में, एक ही शहर में इकट्ठा रह रहे हैं और उसकी सकाफत का हिस्सा हैं। तो अगेन मैं आप तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करूँगा और मेरी तरफ से आप तमाम लोगों को बहुत बेस्ट विशेष। जितने ऑर्गेनाइजर्स हैं यहाँ पर, हमारे बिशप्स हैं, फादर्स हैं, हमारे फंडर साहबान हैं, हमारे उमर ग्राफिया में नज़र आ रहे हैं, आप तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया और हमारे हिंदू बहन और भाई बहनों की आप खुशियों में शरीक हुए। थैंक यू वेरी मच। खूसी तौर पर माइल भाई से महेंद्र पौल साहब
हम सब पंडित लाल साहब आपको और सारी अपनी हिंदू कम्युनिटी को दिवाली की मुबारकबाद पेश करते हैं। और आज हमें बड़ी खुशी है कि क्रिसमस का त्यौहार हो, ईस्टर का त्यौहार हो, ईद मिलादुन्नबी हो, ईद उल अज़हा हो, ईद उल फितर हो और गुरु नानक साहब का जन्मदिन हो और दिवाली हो या होली हो, हम सब एक दूसरे की खुशियों में शामिल होकर बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान हम सब का है। पाकिस्तान में रहने वाले तमाम अफराद, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी मसले से हो, दीन और दुआ करने का तरीका अपना अपना है, लेकिन कौमी सतह पर हम सब पाकिस्तानी हैं। तो ये हमारी आज यज्ञ कहती कि मिलकर दिवाली मनाएं। और पहले पहल मुझे पता है जब हम छोटे थे तो किताबों में दिवाली का भी जिक्र था, आहिस्ता आहिस्ता कई चीज़ें जैसे अभी भी जिक्र किया गया, कई चीज़ें टेक्स्ट बुक से निकाल दी गई, लेकिन एक अच्छी बात है कि अगर हुकूमत दोबारा इन चीज़ों को लाए। और मैं आज सोचता हूँ कि आज की ईद ना सिर्फ हमारे हिंदू भाई बहनों की ईद है, आज की जो है वो भी याद दिलाती है कि दुश्मन चाहे जितना भी पावरफुल हो जाए, जहाँ खुदाए ताला हमारे साथ होता है वहाँ हमेशा सच की जीत होती है, रोशनी की जीत होती है। और खुदा ही वो रोशनी दिखाता है कि इंसान अंधेरों से निकलकर, जुल्म से निकलकर रोशनी लाता है। तो दिवाली हमें याद दिलाती है कि अंधेरा था लिंका था जिसका जिक्र है, जहाँ पर जुल्म हो रहा था, तशद्दुद हो रहा था, खुदा की कुदरत के साथ वो दोबारा वापस आते हैं और हर जगह पर दीप जलाते हैं। इसलिए से दीपावली भी कहते हैं, दीपावली, दिवाली या दीपावली, हर जगह चराना होता है, रोशनी होती है। कि जब उनकी वालदा मोहतरम कहती है जब मेरे बच्चे वापस आए, हर तरफ रोशनी हो, तो आज इस रोशनी की ईद के मौके पर और जुल्म और तशद्दुद पर फतेह पाने की ईद के मौके पर आज पाकिस्तान में भी हर जगह रोशनी और आ रही है। आइए हम दुआ करते हैं कि हम सारे मिलकर अंधेरों से निकल कर, अपने जहन के अंधेरों से निकल कर रोशनी की तरफ आए और एक दूसरे को पहचान सकें। और एक तो हमारी जिस्मानी आंखें हैं, ये बिनाई है, लेकिन एक बसीरत है, खुदा ताला में बसीरत अदा करें ताकि हम एक दूसरे की कदर करें, एक दूसरे का एहतराम करें, ईद खुशियाँ हमेशा मनाएं। जहाँ पर भी नेकियत लोग होते हैं वहाँ पर उसी दिन ईद हो जाती है, ताकि हमारा मुल्क तरक्की करे, खुशहाली की तरफ गामजन हो। और मैं आज सोचता हूँ कि हमारा मुल्क हम सब की कोशिशों से, और इसमें कोई शक नहीं जो मैं बता रहा हूँ, कि पाकिस्तान के ग्रेट लिस्ट से निकलने के पीछे इंटरफेथ मजहब इंटरफेथ मुकाबले का भी बड़ा है। और इसी वजह से पूरी दुनिया को पता चला है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ है, रुपया पैसा फ्लाई कामों पर लगाया जाता है दहशतगर्दी के लिए। तो आप सबको पाकिस्तान के ग्रेड से निकलने पर भी मुबारक है, तो आप सबको बरकत दे, हमें बरकत दे, ताकि हमेशा खुश रहे। आमीन। आप सबको एक दफा फिर दीपावली की Bye-bye.
कासम अली कासमी साहब सदर शिया उलमा कौंसल लाहौर डिवीजन
मेंबर्स जिला अमन कमेटी लाहौर, सेक्रेटरी फिनांस मिली अख्तियाती कौंसल पंजाब, सीनियर मेंबर कुल मसालिक उलमा बोर्ड पाकिस्तान, और इसके साथ बहुत सी और जिम्मेदारियाँ भी हैं इनको इनके पास। हम इनको भी अपनी जोरदार तालियों में खुश आमदीद कहते हैं। मैं दावा देता हूँ कि कासिम अली कासमी साहब शिया उलमा कौंसिल की नुमाइंदगी करते हुए सामने तशरीफ लाएंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मुसलमानों की जानिब से हिंदू बरादरी को दिवाली की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज तमाम मज़ाहिब के अकाबर जिसमें हमारे सिख रहनुमा भी मौजूद हैं, हमारे क्रिश्चियन रहनुमा भी मौजूद हैं, हमारे मुस्लिम रहनुमा भी मौजूद हैं, मिलकर हमारे हिंदू भाइयों की खुशी में शरीक होकर दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मज़हब की खुशियाँ और दुख साझे हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर हमने पाकिस्तान को मजबूत करना है तो हमें पंजाब को भी मजबूत करना होगा, हमें सिंध को भी मजबूत करना होगा, बलूचिस्तान को और कैपिटल को भी मजबूत करना होगा। इसी तरीके से पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मजहब को हमें मिलकर मजबूत करना होगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो। इसी पैगाम के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम सब मिलकर जश्न ईद मिलाद उन नबी की खुशियाँ मना रहे थे, और कल परसों जब हमें ग्रेट गिफ्ट से पाकिस्तान के नाम के इखराज की खबर मिली तो हम सब मिलकर खुशियाँ मना रहे थे। इसी तरह आज हमारे हिंदू बरादरी के साथ मिलकर दिवाली की खुशियाँ मना रहे हैं। पारे दीगर बहुत बहुत मुबारकबाद। 1937 में और इसी बिल्डिंग से ही मुस्तफ़ा अली हमदानी ने यह कहा था कि ये रेडियो पाकिस्तान है। तो आप एक इंतहाई तारीखी बिल्डिंग में बैठे हैं जहां आप दिवाली की खुशियां मना रहे हैं। दिवाली बुनियादी तौर पे बदी और शर की कुतों पर नेकी के गलबे की ताकत का नाम है। इसके पीछे जो पस मंज़र है वो यही है कि जब रामचंद्र जी ने 14 साल बनवास के बाद रावण की कैद से सीता को आज़ाद कराया था तो नेकी गालिब आ गई थी बुराई के ऊपर। इसलिए इस त्यौहार को रंगों और खुशियों का त्यौहार कहते हैं, और ये दुनिया में एक इंटरनेशनल फेस्टिवल की हैसियत रखता है। तो तमाम सनातन धर्म भाइयों को, वाल्मीकि भाइयों को, इवन के जो सिख कम्युनिटी है उनके गुरु अर्जुन देव को ग्वालियर के किले से आज़ादी भी आज के दिन मिली थी, इसी तरह दयानंद सरस्वती की बरसी हो या राम मोहन राय, इन सब का ताल्लुक जो है आज के दिन से। तो ये दिन जो है ये पूरे इंडिया में ख़ास तौर पे जनूबी इंडिया में सबसे ज़्यादा ख़ास तौर पे ये खुशियों और रंगों का त्यौहार है। तो तमाम हमारे हिंदू भाई, वाल्मीकि भाई और जितने भी हजरात यहाँ इस तारीखी बिल्डिंग में मौजूद हैं उनको दिल की अथाह गहराइयों से दिवाली की शुभकामनाएँ। और ये आपका जो अवकट है ये साबित करता है कि दुनिया रंगों से भरी है और इसका हर रंग बहुत खूबसूरत है। वो रंग वो यहाँ नज़र आ रहे हों, वो यहाँ नज़र आ रहे हों, वो इधर हों या सामने हों, हर रंग खूबसूरत है और हर रंग ही देखने के लायक है। तो सबको शुभकामनाएँ, बहुत बहुत मुबारक। धोते धोते हर हर गंगे
मुनासिबत से दिवाली के हवाले से इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये एक ऐसा मौका है जो हर कौम के लिए, हर मजहब, हर मसलक के लिए एक न एक दिन खुशी का पाकिस्तान के अंदर जरूर आता है। और जिस तरह ईद उल अज़हा, ईद उल फितर और ईद मिलादुन नबी और दीगर जो मस्जिद त्यौहार मुसलमान मनाते हैं, उसके अंदर भी हमारे ये पाजी साहबान, पंडित साहबान, अभी परसों की पंडित साहबान तरदान साहब इंटरनेशनल बैनर अकवामी सीरत कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद होटल में इन्होंने तकरीर भी की है और नुमाइंदगी, ये कितना एक बेहतरीन और खुशगवार पाकिस्तान के अंदर माहौल जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ये काफिला रवान हुआ है बिशप साहब इनकी क़यादत में और दीगर जो हमारे कायदीन है उनकी क़यादत में। ये मोहब्बत का कारवां, ये उल्फत का कारवां, ये एक बेहतरीन कारवां है जो हर मजहब के लिए, हर मसलक के लिए एक खैर का पैगाम लाता है। और आज ये रंग जो है, ये बिखरे हुए खूबसूरत जो लोग हैं, अगर हमें पता होता रंग की दिवाली में इतनी चमक दमक वाले लिबास पहनते हैं, हम यहाँ से पहन के आते हैं ताकि हमें पता होता। तो भाई मैं इन साथियों का बड़ा मशहूर हूँ कि जिन्होंने इस प्रोग्राम में मदद किया, और हम इंशाल्लाह ऐसे प्रोग्राम हमेशा से करते आए हैं और ऐसे करते रहेंगे। पाकिस्तान की बता इसी में है कि मुल्क के अंदर अमन को परवान चढ़ाया जाए और नफरत को खत्म किया जाए, इंटरफेथ को बहाल किया जाए, इंटरफेथ के अंदर भी अच्छे अच्छे पैगाम दिए जाए ताकि लोग जो हैं वो एक वीवन कम्युनिटी के अंदर परोए जाए, एक तस्वीर के अंदर परो जाए ताकि लोग हमारे अंदर ऐसी मोहब्बत, और जो मुल्क के दुश्मन हैं वो मुल्क को, हालात को खराब करने की हमेशा कोशिश करते हैं। और हमेशा और जब भी कोई बादल आता है तो हक उसके मुकाबले में जरूर खड़ा होता है। और अगर कोई यहाँ फसाद या कोई ऐसी तबीयत को नाजुक करने की कोशिश करता है तो उसके लिए ये इंटरफेथ के लोग, हारमनी के लोग, बैरन मुजाहद के लोग, अमन के पीस और अमन के सफीर यहाँ मौजूद हैं, उनका मुकाबला डट के करते रहेंगे। तो अल्लाह से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको पाकिस्तान की बका के लिए, अपने मजाहब के अमन के लिए और पाकिस्तान की
हमेशा शांति के लिए हमें दुआ करनी चाहिए। यहाँ अमन की जरूरत है, मोहब्बत की जरूरत है, रवादारी की जरूरत है, उल्फत की जरूरत है और इन कैदीन के हमेशा साए इंशाल्लाह ये अमन जो है परवान चढ़ता रहेगा क्योंकि 1400 साल से लेकर हमारे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर जनाबे ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक हर नबी का यही पैगाम है, लोगों एक हो जाओ, अमन और मोहब्बत को लेकर आगे बढ़ो। तो नबियों का ये शेवा है, अल-उलमा कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं, उलमा हो, पादरी हो, दीगर जो लोग हो, तो वो सारे के सारे नबियों के वारिस हैं। तो इस विरासत को आगे फैलाएंगे मोहब्बत की शक्ल से अंदर, अमन की शक्ल से अंदर। अल्लाह से दुआ है अल्लाह अमन की तौफीक अता फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। पादरियों की ये हमारी बहुत अजीम शख्सियत है। हम 2002 से तकरीबन इस पीस को लेकर हम आगे चल रहे हैं और मैं आप सबके सामने एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक 20 सेकंड के लिए आप खड़े होकर लोगों के लिए आप ताली बजाते हैं। बहुत मेहरबानी, 20 सेकंड के लिए मैं अपने लिए ये एजाज समझता हूँ कि मुझे ये मुख्तसर कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मेरी जो स्पीच होती है वो होती ही मुख्तसर है। सबसे पहले मैं इज्जत माँ मोहतरम जनाब बिशप सैमुअल अज़राया साहब, आपकी पूरी टीम, मोहतरम जनाब आईबी रॉकी साहब, पंडित भगत लाल खोकर साहब, डायरेक्टर मिनहाजुल कुरान इंटरफेथ हारमनी जनाब सुहेल रजा साहब, मेरे भाई सुनील महबूब साहब, जेम्स रहमत साहब, काशिफ नवाब साहब, जितने भी इंटरफेथ हारमनी के कायदीन यहाँ पर मौजूद हैं, मेरी तरफ से सबको सलाम। और आज के प्रोग्राम का सिर्फ जो मकसद है वो है यकजहती, कि हम दुनिया को ये पैगाम दे सकें कि वो लोग ये जो समझते हैं कि पाकिस्तान में बसने वाले मजाहिब के लोग उनको बराबरी हासिल नहीं है, तो मैं पूरी दुनिया को यह पैगाम देना चाहता हूं कि आए देखें। आज मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान के अंदर ये वो तकरीब होगी होली की जिसमें तमाम मजाहिब के कायदीन शरीक हैं, और ये एजाज है, ये फख्र है, और मैं मुबारकबाद देता हूं। ये सारा सेहरा बिशप सैमुअल अज़राया साहब के सर जाता है, सीएससी के सर जाता है, एनसीए और YMCA इनके साथ जाता है, दीगर वो चीज लोग जो सामने नहीं है उन सब के साथ जाता है। लेकिन मैं ये पैगाम देना चाहता हूं कि यहाँ पर जितने जो लोग बैठे हैं ना वो खुशी में शामिल है, तो लिहाजा इस चीज का जरा एहसास बच्चे जो कर रहे हैं ये खुशी में कर रहे हैं, आप बच्चों को छोड़ दें, बच्चे जो करते हैं करते दें, जरा आप तालियां बजा के अपनी खुशी का इजहार एक मरतबा करते। और अभी भी ये चंद लोग ऐसे हैं जो तालियां बजाने में भी कंजूसी कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल में खुशी में नहीं आए। अब आखिर में सिर्फ मैं एक शेर कहूंगा कि हमें करना क्या चाहिए। पंजाबी का एक शेर है, हमारे आईबी रॉकी साहब ने शेर सुनाया, तो मैं भी शेर सुना के बात को खत्म करता हूं कि टैंका का न तो तलवार का जमाना है, क्योंकि इस हाल की तारीख ये बताई गई कि एफएम रेडियो का आगाज यहां से हुआ, इसके अलावा कई तहरीकों का आगाज यहां से हुआ, लेकिन इंशाअल्लाह आने वाला वक्त लोग ये भी बताएंगे कि ये वो हाल है जहां होली का त्यौहार तमाम बैरुल मजाहिब कायदीन ने मिलकर मनाया। तो दिवाली का प्रोग्राम पहली मरतबा इस हाल में मिलकर मनाया था। तो शेर ये है कि टैंका दा ना तो तलवार दा जमाना है, टैंका दा ना तो तलवार दा जमाना है, काशिफ भाई, टैंका दा ना तो तलवार दा जमाना है, प्यार नू तकसीम करो ए प्यार दा जमाना है। टैंका दा ना तो तलवार दा जमाना है, प्यार को तकसीम करो ये प्यार का जमाना है। अगला शेर बिशप साहब आपकी नजर है कि खाली गल्ला नाल इत्थे भला हुण कौन यारो मनदा,
खाली गल्ला नाल इत्थे भला हुण कौन यारो मनदा किरदार अपना पेश करो किरदार दा जमाना है। बहुत शुक्रिया रफी साहब। सबसे पहले आप सबको दिवाली मुबारक। तालियां बजा के बताएं कितनी मुबारक हुई। अच्छा दोस्तों, आज की इस तकरीब में कुछ दोस्तों ने बहुत अहम बातें की, बहुत अहम नुकात उठाए। मैं ये सोच रहा था कि हम और मोहब्बत की बात हम करते हैं, क्या ये मुमकिन है कि अगर इंसाफ ना हो, समाजी इंसाफ ना हो, अदन ना हो, तो क्या अमल और ये मोहब्बत जो है ये परवान चढ़ सकती है, क्या फरोग दिया जा सकता है? मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है। फिर इंटरफेथ हारमनी की बात हुई, बिशप साहब ने एक बहुत बड़ी खूबसूरत बात की कि पहले निसाब में दिवाली का चैप्टर होता था, अब नहीं है। इसी वजह से हमारे बहुत सारे मुकर्ररीन को दिवाली की जगह होली, या कई दफा ऐसे भी हुआ कि उन्हें ये भी इस बात का जो है आज पता चला कि दिवाली के दिन जो है खूबसूरत रंग और खुले रंग क्यों पेश किए जाते हैं, क्यों डाले जाते हैं, या किस तरीके से हम लोग इस त्यौहार को फूलों के साथ, रंगों के साथ और रोशनियों के साथ मनाते हैं। मेरे ख्याल में आज का ये वक्त, आज का ये दिन, ये हमें सोच पर मजबूर करता है कि हम अपने निसाब में दिवाली का हो या होली का हो, कोई भी त्यौहार हो, उसको इस तरीके से पेश करें कि हमारे मुकर्ररीन जब यहाँ पे आए तो उन्हें दिक्कत पेश ना आए, बल्कि वो भरपूर तरीके से इस तरीके से उस त्यौहार का नाम लें जिससे ये पता चले कि त्यौहार सिर्फ हिंदू बरादरी का नहीं बल्कि हर कौम का, हर पाकिस्तानी का त्यौहार है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी और मेरे दारे की जानिब से आप सबको बहुत बहुत दिवाली मुबारक हो। सरफराज ने दिवाली के हवाले से मुझे बहुत खुशी हुई, और ये जैसे बिशप साहब ने पहले बताया कि दिवाली हम पढ़ते थे, तो मैं भी इतना पढ़ा हूँ कि मैंने भी पढ़ा है दिवाली का चैप्टर जब मैं स्कूल के ज़माने में तीसरी चौथी क्लास में होता था। ये बात है तकरीबन मेरी 57 की, जब मैं तीसरी चौथी क्लास में पढ़ा था दिवाली के कलर मैंने पढ़ा था कि किस तरह से जो है वो अपना दिए जलाए ताकि वो रात वापस आए। तो इस तरह से मैं एक तालिबे इल्म जो है वो एजुकेशन का सोचता हूँ कि हमारी जो नई नस्ल है उनको बिल्कुल कोई पता नहीं इस बात का कि दिवाली क्या है, उसका क्या क्यों मनाई जाती है। तो होना ये चाहिए कि नए नसाबों में खासतौर पर बड़ी क्लास में जो शब्द छोटी बुनियादी क्लास में जिनमें एक दो चैप्टर का पूरा क्लास भी है वो जरूर और उसका जो है वो होना चाहिए। बाकी ये हम सब इस त्यौहार में शरीक हैं और हम इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद हैं, खासतौर पर बिशप साहब को जिन्होंने ये सारा इंतजाम किया, अल्लाह के सरफराज का, तालीम रफी का और सारे और मुनज़्ज़मीन का, उन सबको बहुत बहुत दिवाली की। मैं सबसे पहले खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने हमें इस लाइक किया कि हम एक जगह पर इकट्ठे हो सके और इस त्यौहार को हम मना सके। इस त्यौहार में दो चीजें मैंने गौर से देखी हैं, एक रोशनी और दूसरे रंग, और ये दोनों चीजें हमें मोहब्बत की तरफ लेकर जाती हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने भी हमें सिखाया कि तुम दुनिया का नूर हो, और मैं अपनी तरफ से, संविश्रामी की तरफ से तमाम हिंदू कम्युनिटी को और हम जितने भी यहाँ उनके साथ इस त्यौहार में शामिल हैं इन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। बहुत मेहरबानी वतनदार साहब की, उन्होंने अपनी खुशी के मौका पे सब दोस्तों को याद रखा, खसूस
आज उन्होंने एक प्रभुत्व पैगाम दिया। कुछ दिन पहले, दो दिन पहले हम जो है सीरत इंटरनेशनल सीरत नबी कॉन्फ्रेंस जो इस्लामाबाद में थी, लाहौर से लेके इस्लामाबाद तक बगल लाल साहब के साथ हम सफर भी रहे, बल्कि हम नवाना भी रहे, और वहाँ पे सीरत नबी कॉन्फ्रेंस में इकट्ठे शिरकत की। इनके काफ़ी जोहर जो है वो वहाँ जाके खुले सीरत नबी कॉन्फ्रेंस में, कि जिस खूबसूरत अंदाज के साथ इन्होंने कलाम पेश किया, यकीनन लेकिन दिल में मोहब्बत हो तो फिर कोई ऐसा कलाम पढ़ता है, जो इन्होंने पढ़ा और बड़ी खुशी हुई देख के कि आज हम एक मतलब मिसाल दिया करते थे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जुबान पे नाम तो होता था लेकिन आज इज्तिमा जो है इस दिवाली के मौका पे जो एक खूबसूरत एहतमाम किया गया है मदन लाल साहब और उनकी टीम की तरफ से, तो इसमें तमाम मकासिब फिक्र किया जो इज्तिमा है ये देख के बड़ी खुशी हुई। पाकिस्तान सिर्फ मुसलमानों का ही मुल्क नहीं है, यहाँ पे बसने वाले हर उस पाकिस्तानी का है और सबका हक पाकिस्तान के ऊपर बराबर है, जितना मुसलमानों का है इतना ही हिंदुओं का, ईसाइयों का, सिखों का और दीगर मजाहब का भी है। मेरा कारोबार के सिलसिले में सिंध में जाना होता है और वहाँ पे हिंदू बरादरी के साथ बड़ी ज़्यादा इंट्रैक्शन है, मैं अक्सर मेहमान भी वहाँ पे हिंदू बरादरी का ही होता हूँ, तो इनकी हॉस्पिटैलिटी का तो मैं पहले से भी गवाह हूँ, लेकिन आज के दिन जो इन्होंने अपनी एक ईद जो है दिवाली की इन्होंने मनाई है और उसमें जब सब दोस्त इकट्ठे किए हैं, तो मैं इनको और इनकी टीम को तमाम पहले पाकिस्तान की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और सबसे आखिर में सिर्फ एक जुमला कहूँगा, एक रस्म निभाई जा रही है कि जो दोस्त एक तशरीफ आता है, जो मेहमान भाई ऐलान करते हैं, तो एक बुके का एक बड़ी मोहब्बत की निशानी होती है, लेकिन जो मैंने महसूस किया है आखिरी दफ़ा कहने लगा हूँ, जो मैंने महसूस किया है कि असल बुका ये है, ये जो ऑडियंस है जो इन्होंने बुका बनाया है वो असल बुका ये है, और इसके लिए इनको बहुत मुबारक धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह हम सब दोस्त मिलके एक दूसरे की खुशी में शामिल होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम हिंदू भाइयों को, बहनों को, बच्चों को, नौजवानों को दिवाली मुबारक कहता हूँ। और दुआ करता हूँ कि ये त्यौहार उनके लिए, उनके ईमान के लिए, उनके किरदार के लिए, उनके रिश्तों के लिए बायस बरकत हो और रोशनी का। आपने बहुत कुछ सुन लिया, इसलिए बार बार वही बात करने का कोई फायदा नहीं। जी नाज़रीन, अभी हमारे साथ मौजूद हैं सीटीएस की डायरेक्टर कैथरीन सपना और हम उनसे जानेंगे कि आज जब वो दिवाली के प्रोग्राम में आए और ये दिवाली का प्रोग्राम जो है वो हकीकत में एक मजहबी जो हम आंगी है उसको फ़रोग देने के लिए किया जाता है और ख़ास करके ये जो दिवाली है ये हिंदू जो लोग हैं उनके लिए बड़ा ख़ास त्यौहार है, और हम उनसे जानेंगे कि वो इस प्रोग्राम में आए और उन्होंने इस प्रोग्राम को किस तरह से जो है वो लिया है और वो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी। सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ सरफराज इमैनुअल साहब की YMCA में, जिन्होंने आज की ये शाम दिवाली के लिए सजाई, और मुझे आकर वाकई यहाँ पर खुशी महसूस हो रही है क्योंकि आज का दिन खुशियों का और रोशनियों का दिन है, और यहाँ पर जो हिंदू कम्युनिटी है स्पेशली वो बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, और मैं सबको अपनी CTS की पूरी टीम की तरफ से मुबारकबाद पेश करती हूँ कि दिवाली का ये त्यौहार उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ और हमेशा उनको इसी तरह मुस्कुराता रखे।
तो आज यहाँ पर आकर मुझे ये महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, जहाँ पर अगर हम यहाँ पर रहने वाली जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं अगर उन्हें पूरी मजहबी आज़ादी हो तो वो बहुत ही खुशी से और पुरसकून तरीके से अमन से यहाँ पर रह सकते हैं। तो मेरी दुआ है आज के इस मुबारक मौका पर कि खुदा पाकिस्तान को एक अमन का गहवारा बनाए। सर, आज दिवाली के मौका पर आप एक तो हिंदू कम्युनिटी को और ख़ास करके जो पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको आप दिवाली के मौके पर क्या पैगाम देना चाहते हैं? पहले तो मैं नेशनल टीवी का और एंकर का, मुझे जो भाई हैं मेरे साथ खड़े अरुण साहब का बहुत मशकूर ममनून हूँ। और मेरे ख्याल दिवाली जैसा इवेंट जो है, कायदे आज़म का पाकिस्तान सबका पाकिस्तान, ठीक है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि पाकिस्तान में अकलियतें मुकद्दस अमानत हैं, और इस तरह के इवेंट अगर हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं जैसे दिवाली है और दूसरे जो भाई हमारे रहते हैं उनके साथ, ये एक ये इवेंट को बरकरार करना रखना, इसको इस साइन ऑफ सॉलिडेरिटी, लव एंड हार्मनी। और मेरा ख्याल हमें पाकिस्तान में जितनी भी माइनॉरिटीज रहती हैं, हिंदू हैं, सिख हैं या भाई हैं, कोई जितने भी फेथ हैं, उनकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और क्रिश्चियन भी, चूँकि क्रिश्चियन हम तो कहते हैं हम भी बड़ी माइनॉरिटी हैं, लेकिन गवर्नमेंट के सेंसस के मुताबिक वो कहते हैं जी हिंदू बड़े हैं, बड़ी कम्युनिटी वो है, लेकिन हमें छोटी कम्युनिटी हो या बड़ी, हमें सबके रिस्पेक्ट और ऑनर करना चाहिए। और मेरा ख्याल ये सिर्फ लाहौर ही के अंदर नहीं, दूसरे शहरों में भी जहाँ पे थोड़े कम लोग हैं हिंदू, उनके साथ हमारी ये सेलिब्रेशन को कंटिन्यू करना चाहिए, इससे सॉलिडरिटी, हार्मनी और ब्रदरहुड जो है ना वो डेवलप होता है। सर, एक सवाल और है कि इस दिवाली के मौका पर हम देखते हैं कि एक मोहब्बत का पैगाम जो है वो पूरी दुनिया में जा रहा है कि पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ हैं, ख्वाह वो हिंदू है, ख्वाह वो क्रिश्चियन है या ख्वाह वो सिख हैं, लेकिन उनको पूरी आज़ादी है कि वो आज़ादी के साथ अपने जो त्यौहार हैं यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान का जो मोराल है इस तरह के इवेंट के ज़रिए से किस तरह से बुलंद हो सकता है? मेरा ख्याल ये खूबसूरत जो इवेंट आपने और जो ऑर्गेनाइज़र हैं, जिस तरह अंबाब बख्श रॉकी साहब हैं, ज़िक्रिया इकबाल साहब हैं और डॉक्टर फ्रांसिस जैसे लोग और आप जैसे लोग जो इस इवेंट को खूबसूरत बनाते हैं, और मेरा ख्याल ये एक ऐसी रवायत है, ऐसा जो अभी पस्सा भी आ गए हैं, तो ये मेरा ख्याल आप जो यू आर रियली प्लेइंग अ वाइटल रोल इन पाकिस्तान। हाँ, तो इससे सॉलिडारिटी, मैंने जैसे मैंने पहले कहा कि इससे भाईचारा, प्यार और मोहब्बत सारा कुछ जो है ना वो उसको फ़रोग मिलता है। थैंक यू। जी नाज़रीन, अभी आपने देखा कि यहाँ पे जो मेहमान आए थे उन्होंने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया, और ख़ास करके उन्होंने हिंदू बरादरी को दिवाली मुबारक कहा, और ख़ास साथ ही साथ उन्होंने इस बात को भी उन तक पहुंचाया है कि ये जो रंग हैं ये सिर्फ हिंदुओं के रंग नहीं हैं, बल्कि ये रंग जो हैं वो पाकिस्तान के रंग हैं। और साथ ही साथ नेशनल न्यूज़नामा की पूरी टीम जो है, हिंदू जो कम्युनिटी है, उसको मुबारकबाद पेश करती है, और ये जो दिवाली का त्यौहार है वो उनके लिए इसी तरह से साल हर साल पाकिस्तान में आता रहे और वो इस त्यौहार को इसी जोश और जज्बे के साथ मनाते रहें। नाज़रीन, आप मुझे और मेरे कैमरामैन तारिक पैरा को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।